हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टी टाइम केक और वो भी मैरीगोल्ड बिस्किट से। आप उसको डेकोरेशन करके बर्थडे पर भी बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 200 ग्राम मैरीगोल्ड बिस्किट लिए हैं, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 3 टेबलस्पून शुगर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं 10 मिनट्स के लिए। अब हम ये सारे बिस्किट को छोटे छोटे पीसेस करके जार में डाल देंगे और फिर उसके अंदर कोको पाउडर, शुगर और बेकिंग पाउडर डाल के हमें एकदम अच्छे से एकदम बारीक वाला पाउडर बनाना है उसका। अब हम इसे अच्छे से चर्न कर लेते हैं। हमारे बिस्किट एकदम पाउडर फॉर्म में आ गए हैं, हमने एकदम अच्छे से चर्न कर लिए हैं। अब हम एक अच्छा स्मूथ वाला बैटर रेडी करेंगे। मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाला है। अब हम धीरे धीरे दूध को डालेंगे, एक साथ सारा दूध ना डालें, हमारे बैटर में गुठलियाँ पड़ने के चांसेस रहेंगे, इसलिए एकदम धीरे धीरे और कम बैटर में मिल्क डालें, एकदम अच्छे से हिला लें। अब हम हमारे जिस मोल्ड में हमें केक बनानी है वो मोल्ड को ग्रीस करेंगे। मैंने यहाँ पर ग्रीस करने के लिए घी लिया है, आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हो। सब साइड से एकदम अच्छे से हमें ग्रीस कर लेना है, आप ब्रश की सहायता से भी एकदम अच्छे से ग्रीस कर सकते हो और फिर इसके अंदर हमें बैटर डालना है। हमको बैटर डालने के बाद कुकर में 20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट में हमारी केक एकदम रेडी हो जाएगी। अब हम ये मोल्ड को और इसके ऊपर मैंने डेरी मिल्क के पीसेस डाले हैं, डेरी मिल्क पिघल जाएगी और एक अच्छी सी डार्क डार्क वाली डिजाइन हमें दिखेगी, कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट। मैंने यहाँ पर एक डेरी मिल्क डाली थी छोटे छोटे पीस करके। अब हम कुकर में रख देते हैं और हमें कम से कम 20 मिनट लगेंगे ये केक बनने में। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी केक चेक करते हैं। अगर आप चेक करने के लिए कुछ भी ऐसे नाइफ डाल के भी देख सकते हो, अगर हमारी नाइफ एकदम क्लीन आई इसका मतलब केक बन चुकी है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, कम से कम आधा घंटा लगेगा। हमारी केक एकदम ठंडी हो चुकी है, अब हम डीमोल्ड करेंगे। एकदम केयरफुली हमें ध्यान से करना है ये। आप अगर चाहो तो आप उसको ऐसे भी खा सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप या फिर चॉकलेट सॉस कुछ भी डाल सकते हो। आपको व्हिप क्रीम लगानी है तो भी लगा सकते हो, या आपको चॉकलेट मेल्ट करके लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। टी टाइम केक है तो आप ऐसे ही खा सकते हो। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे स्क्वायर वाले। ये हमारे पीसेस हो चुके हैं, अब आप इस केक को एंजॉय कर सकते हैं।